नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू लॉर्ड कृष्णा। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, जिसको आज भी हम फॉलो करें तो लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। अमेजिंग चेंजेस हमारी लाइफ में हो सकता है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स, गीता में भगवान ने कहा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस तेरी से भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ करने लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमने ट्राई करा, लेकिन अब हम और ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सफलता और सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार 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 कोशिश करते रहते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आते। दे डोंट क्विट इन देयर लाइफ। वो कभी मैदान नहीं छोड़ता। एट लास्ट सक्सेस उन्हीं को मिलता है। फ्रेंड्स, भगवान साथ उन्हीं का देते हैं सिर्फ जो कभी हिम्मत नहीं हारते, जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, गीता में एक और बात बहुत अच्छी हमें सीखने को मिलती है, और वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान भगवान, हर इंसान भगवान, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज गॉड। जिस तरीके से मंदिर में हम लोग जाते हैं और मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हर इंसान का सम्मान करो, हर इंसान का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि हर इंसान भगवान है। सालों पहले हर इंसान भगवान था, लेकिन लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। तो सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कहीं जाकर छुप जाता हूं। कुछ सलाहकारों में से एक सलाहकार ने बोला कि भगवान जी, आप जमीन के अंदर जाके छुप जाइए। भगवान ने बोला कि कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आएगा जब इंसान जमीन को खोदेगा और मुझे ढूंढ लेगा। दूसरे सलाहकार ने बोला कि भगवान, आप ऐसा करिए कि समुद्र के अंदर पानी में जाके छुप जाइए। भगवान ने बोला, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि इंसान समुद्र के अंदर जाएगा और मुझे ढूंढ लाएगा। एक और सलाहकार ने बोला, भगवान आप ऐसा करिए कि सबसे ऊंची पर्वत माला पे, सबसे ऊंचे पर्वत पे, हाईएस्ट माउंटेन पे जाके आप छुप जाइए। भगवान ने बोला, इंसान कभी ना कभी पर्वत के टॉप पे पहुंचे और मुझे ढूंढ लाएगा। फिर भगवान ने बोला, मैं एक ऐसी जगह जाके छुप जाता हूं जहां पर इंसान मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा जिंदगी भर। और फ्रेंड्स, वो जगह थी इंसान के अंदर। भगवान ने बोला, मैं इंसान के अंदर जाके छुप जाता हूं, इंसान कभी ढूंढ नहीं पाएगा कि भगवान का है। फ्रेंड्स, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फ्रेंड्स, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके पास आता है और बोलता है, पापा, मम्मा, आई एम इम्पॉसिबल, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम टोटली फेलियर। फ्रेंड्स, आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप किसकी संतान है? अपने पेरेंट्स की। आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, आप, मैं और हम सब किसकी संतान है? वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान की संतान है दोस्तों। और फ्रेंड्स, अगर हम भगवान की संतान हैं, तो भगवान ने हर इंसान को यूनिक पावर्स दी। वी ऑल आर यूनिक। तो फ्रेंड्स, आपसे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो, क्योंकि भगवान ने आपके अंदर कुछ ना कुछ अद्भुत क्षमता बनाई है। उसको देखिए, उसको देखिए और उस पर काम करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, हर इंसान का सम्मान करिए, अपना सम्मान करिए, हर इंसान से प्यार करिए, आपको सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण ने गीता में एक और बात बहुत अच्छी कही है, गीता में एक और बहुत अच्छी बात बताई है कि सफलता उसी को मिलेगी, सक्सेस उसी को मिलेगा जीवन में जो एक टारगेट लेके चलेगा, जो एक लक्ष्य लेके चलेगा, जो एक गोल लेके चलेगा।
दोस्तों ये सोचने लायक बात है कि दुनिया भर में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों के पास गोल है. ओनली 3% पीपल आर हैविंग देयर गोल्स इन देयर लाइफ. 97% लोगों का कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं. फ्रेंड, जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक गोल लेकर चलो, एक गोल बनाओ, एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, और फिर लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. 100% आपको सफलता मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आप एक टारगेट लेके चलेंगे, एक लक्ष्य लेके चलेंगे. फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें एक बात और अच्छी बहुत सीखने को मिलती है, और फ्रेंड्स वो है टीम वर्क, वो है यूनिटी, वो है एकता. फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने देखा कि बचपन में उन्हें मक्खन खाने का बड़ा शौक था. उनकी मां उनकी इस बात से बहुत परेशान थी, वो नटखट बच्चा कहीं से भी ढूंढकर मक्खन खा लेता था. तो मां ने ये करा कि मां ने सबसे ऊपर टॉप पे वो मटकी रख दी मक्खन की. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी टीम के साथ, यूनिटी के साथ, अपने दोस्तों को बुलाया और उनके सपोर्ट के साथ, अपनी पूरे टीम वर्क के साथ वो उस मटकी तक पहुंचे. वो उस मटकी तक पहुंचे और उस मटकी को तोड़ा और मक्खन खाया, लेकिन सिर्फ खुद इंजॉय नहीं करा, सिर्फ खुद मजा नहीं लिया, अपने जितने साथी थे सबके साथ शेयर करा. तो फ्रेंड, जीवन में अगर आगे निकलना है तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना. अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो आपकी टीम बहुत तगड़ी होगी. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके अंदर यूनिटी है, अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट है. तो फ्रेंड्स, भगवान हमेशा 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 हमारे साथ होते हैं. एक व्यक्ति सपना देख रहा था, सपने देखते देखते उसने देखा कि मेरा जीवन चल रहा है, समुद्र किनारे में चल रहा हूं, और चलते चलते उस व्यक्ति को दो लोगों के पैर के निशान दिखाई दिए. एक तो वो खुद था और दूसरे भगवान थे. वो लाइफ के हर मोड़ को देख रहा था, हर कदम को देख रहा था, जीवन के हर सुख और दुख को देख रहा था, और हर जगह उसने देखा दो लोगों के कदमों के निशान थे. एक तो वो खुद था, दूसरे भगवान थे. जब लास्ट स्टेज आई उसकी, तो उसने पीछे पलट के जब देखा, तो उसने देखा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब दो लोगों के कदम थे, एक मैं था और एक भगवान थे. लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जब भी मेरे साथ कोई मुसीबत आई, जब भी मेरे साथ कुछ परेशानियां आई, तब सिर्फ एक व्यक्ति के कदम थे. वो बहुत नाराज हुआ और भगवान से बोला कि भगवान, मैं आपको इतना मानता था, इतना डिवोटी था, इतना बिलीव करता था, और आपने सुख में, हर सुख में आप मेरे साथ रहे, लेकिन आपने किसी दुख में मेरा साथ नहीं दिया, किसी दुख में आपने मुझे सपोर्ट नहीं करा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, आई लव यू वेरी मच, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दुख में मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं करा, दुख में जो तुमको पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं, और बेटा तुम मेरी गोदी में हो, तुम मेरी गोदी में हो, और मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहा हूं, वो पैरों के निशान मेरे. फ्रेंड्स, भगवान हमें हर जगह सपोर्ट करेंगे, लेकिन वर्क हमें करना होगा. फ्रेंड्स, अगर आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस रख रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी. टीम के साथ काम करें, लोगों को सपोर्ट करते रहे, लोगों को प्यार करते रहे, लोगों को रिस्पेक्ट देते रहे, आप आगे बढ़ते रहेंगे. धन्यवाद दोस्तों. दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार 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 मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.